हेलो बच्चों लेट रीट द क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में बोला है कि हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ वार्ट जहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए वास्ट डिफरेंस बी मेमरी ग्लैंड सी यूट्रस और डी है प्रोस्टेट ग्लैंड क्लैंड क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन दैट विल बी हिस्टेरेक्टोमी जहाँ पे हम लोग इस प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं सो बेसिकली अगर हम लोग हिस्टरक्टोमी को बोले Then, बोल सकते हैं कि ये एक तरह का सर्जिकल मेथड है जैसे कि हमारा वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी होता है ठीक उसी तरह हिस्ट्रेक्टॉमी भी होता है नाउ इस प्रोसेस में क्या होता है देर इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स यूट्रस और सर्विक्स का जो सर्जिकल रिमूवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरेक्टोमी तो इसके बाद इसका रिजल्ट क्या होता है इसका रिजल्ट ये होता है कि दैट पर्टिकुलर वुमेन विल नो लॉन्गर हैव है तो चिल्ड्रेन नहीं होंगे एंड हम लोग बोल सकते हैं इस वजह से मैंस्टुरेशन जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा क्यों बिकॉज हम लोग जानते हैं कि मैंस्टुरेशन में एंटोमेट्रियम लाइनिंग शेड होते हैं बट यहां पर क्या होगा कि मैं स्टॉप हो गया बिकॉज एंटोमेट्रियम लाइनिंग्स रहेंगे नहीं मतलब पूरा यूट्रेस ही नहीं रहेगा दैट इज द रीजन और इसमें जो होगा बेसिकली रिस्क क्या है रिस्क ये है कि ओवरीज में ओवरीज विल रिड्यूस हॉर्मोन हार्मोन्स तो ओवरीज प्रोड्यूस करते रहेंगे एंड ये इसका क्या होगा दैट विल लीड टू इंबैलेंस ऑफ हार्मोन्स बिकॉज वो यूज अप नहीं हो पा रहे हैं एंड दैट इज द रीजन यही एक रिस्क है विच इंबैलेंस ऑफ हार्मोन्स उसका सो so हम लोग बोल सकते हैं हिस्ट्रेक्टोमी बेसिकली क्या है इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू